एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों के साथ भी होता है कि पैसा जितना मर्जी कमाओ उतना चला जाता है और आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते, यानी कि आप लग्जूरियस लाइफ नहीं जी पाते। आप अपना पैसा कई बार स्टक हो जाता है, कई बार कमा नहीं पाते, कई बार पैसों की किल्लत होना स्टार्ट हो जाती है, पैसे जैसे हमसे दूर भागते हैं। इस तरीके की सारी चीजें हैं। या आप पैसा कमाना चाहते हैं, या भरपूर पैसा कमाना चाहते हैं, या चाहते हैं आपके पास बहुत सारा पैसा आए और आप लग्जूरियस लाइफ जिए। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ रामबाण उपाय, यानी कि कुछ ऐसे वास्तु के रामबाण उपाय जो आप अपने घर में छोटे छोटे चेंजेस करते ही आप अपने घर के अंदर ये चीज एक मतलब आपके मैं अगर बोलूं कि सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज देख पाएंगे, यानी कि आप अपने पैसों में चेंज देख पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं खूब सारा पैसा कमाना, आप भी चाहते हैं आप भी लग्जूरियस लाइफ जिए, आपके पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, ये सारी चीजें चाहते हैं, तो आज जो मैं आज आपके साथ उपाय शेयर करने वाली हूं तो वो अपने घर में जरूर कीजिएगा। उनको जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन, मैं शाली गुप्ता वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको, मेरा आशा करती हूं आप लोग घर में सबसे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, मेरा चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं बहुत अच्छे अच्छे रामबाण वास्तु उपाय। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वास्तु में, और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली वास्तु के कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आपकी लाइफ में पैसों की किल्लत को दूर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर नहीं देती, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। घर का मुख्य द्वार, जो हमारा घर का सबसे अच्छा पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आपके मेन डोर को हमेशा साफ रखना चाहिए, टूटा फूटा ना हो, उसका पेंट ना उतरा हो, ये चीज आपने खास ख्याल रखनी है। अगर ऐसा होता है तो पैसे की किल्लत आपके पास हमेशा बनी रहेगी। तो कोशिश कीजिए उसको साफ रखिए, उसको टूटा ना हो, पेंट हमेशा रखिए, और मेन डोर के आसपास ना कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी उल्टे सीधा सामान, कवाड़, जूते, चप्पल, रैक वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप अपने घर में नॉर्थ में, यानी कि आप अपने घर की उत्तर दिशा में ब्लू कलर का गुल्लक, जिसे आप बोलते हैं पिगी बैंक, अगर आप ब्लू कलर का रख देते हैं और उसमें रोज आप कुछ ना कुछ डालें, रोज नहीं डाल सकते, हफ्ते में जब आपका मन है वहां कुछ ना कुछ डालें, तो आप देखेंगे आपके पास सेविंग्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। जैसे कुछ लोगों के साथ होता है, हम पैसे कमाते हैं बट सेव नहीं कर पाते, तो अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं तो उसको नॉर्थ में रखिए, ब्लू कलर की गुल्लक खरीदिए, और आप देखिए कि आप कितना अच्छे से जल्दी जल्दी सेविंग कर पाएंगे और आपके पैसे बचेंगे। चलते हैं तीसरे की तरफ। घर के दो कोने हमेशा आपको साफ रखने हैं, एक है नॉर्थ ईस्ट और एक है नॉर्थ, यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि इसको हम अगर बोलते ईशान कोण भी बोलते हैं उत्तर पूर्व को। अगर आप ये साफ रखते हैं तो आपके ये दोनों की दोनों आपको ग्रोथ देते हैं, आपको करियर में ग्रोथ देंगे, आपको बिजनेस में ग्रोथ देंगे, आपको मनी ग्रोथ देंगे, अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। और अगर आप कूड़ा कचरा कबाड़ अगर वहां पे इन दो जोन्स के अंदर अंदर रखते हैं तो ये आपको गरीबी की ओर भी ले जा सकते हैं, तो इन दोनों को आपको साफ जरूर रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास खूब सारी अपॉर्चुनिटीज आए तो आप उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में एक ग्रीनरी का खूब सुंदर सा एक सीनरी लगा लीजिए, पर आपको खास ख्याल रखना है कि उसमें पहाड़ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अगर आप अपना ये नॉर्थ आपके बेडरूम में आता है तो वहां पे पानी भी नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ आप ग्रीनरी, लश ग्रीन फॉरेस्ट का भी लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर आप पैसे अपने घर में रखते हैं तो कोशिश कीजिए आपके जो पैसे हैं वो नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में हो। अगर आप दक्षिण दिशा, अगर आप गलती से भी साउथ दिशा में रख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास पैसे आने से पहले ही चले जाते हैं और आपको लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने पड़ते हैं, तो कोशिश कीजिए इस जगह पर आप पैसे ना रखें। अगर आप उत्तर दिशा में अगर आप व्हाइट कलर का बल्ब लगाते हैं जो 24 आवर्स जलता रहे, आप 0 वॉट का बल्ब भी लगा सकते हैं, और साउथ ईस्ट की तरफ अगर आप रेड कलर का बल्ब लगाते हैं जो 24 आवर्स जलता रहे, तो आपके पास पैसे आएंगे भी और टिकेंगे भी। नॉर्थ का जो बल्ब है वो लेकर आएगा खूब सारी अपॉर्चुनिटीज, और साउथ ईस्ट का जो बल्ब है रेड कलर का वो लेकर आएगा आपके पास खूब सारा कैश। तो ये सारी अगर आप चीजें करते हैं तो आपको 100% कैश से रिलेटेड यानी कि मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।
अपने घर के पूजा घर में कमल गट्टे की माला या गोमती चक्र या कौड़ियां ये जरूर के जरूर रखें। इनसे आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। ये माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं और अगर ये अगर आप अपने घर में रखते हैं तो विश्वास मानिए आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आप इनको अपनी तिजोरियों में भी रख सकते हैं और आप इनको अपने गले में भी रख सकते हैं और आप इनको अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। ये तीनों जगह हैं, आप इनको यहाँ पर रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और ये है आखिरी टिप। अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे का प्रॉब्लम ना हो तो रात को सोने से पहले अपने किचन के बर्तन को अच्छे से धो दीजिए, झूठे बर्तन बिल्कुल भी ना छोड़ें और साथ ही साथ एक कपूर और लौंग डाल के किचन में जब आप बंद करते हैं, जब आप किचन आप छोड़ मतलब किचन से बाहर आ जाते हैं, सारा काम निपटा के आ जाते हैं, तब ये एक दिया जरूर जलाएं। अगर कर्जे हैं तो कर्जे उतर जाएंगे और अगर पैसे रुक गए हैं आ नहीं रहे तो वो आ जाएंगे। किसी ने दिए किसको दिए हैं और वो वापस नहीं कर रहा तो भी आपके पास पैसे वापस आएंगे। 40 दिन तक इस उपाय को जरूर कीजिएगा, देखेगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और पैसे कमाने के लिए, पैसे सेव करने के लिए और पैसे खूब सारे आने के लिए जो मैंने वास्तु टिप्स बताए जरूर कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।